कितने बार सेक्स करना चाहिए इसके बारे में काफी सारे सवाल लोगों के आते रहते हैं, लोगों के मन में काफी सारे वहम रहते हैं, गलत फहमियाँ रहती है, और वो मैं अभी दूर करना चाहता हूँ ये वीडियो के माध्यम से। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 38 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। क्या है कि लोग जो है शादी के बाद में भी सेक्स अच्छा होता है तभी भी मेरे पास में आते रहते हैं और बोलते हैं कि मैं तो एक ही बार कर रहा हूँ, रोज एक बार हमारा होता है, अच्छी तरह से होता है, मगर दूसरी बार नहीं कर सकता। मतलब भाई तुमको किसने बोला कि दूसरी बार यदि नहीं होता है तो प्रॉब्लम है? नहीं, बोले मेरे दोस्त ऐसा बोलते कि हम एक एक रात में चार चार बार करते हैं और मैं दूसरी बार भी नहीं कर सकता। मतलब एक बार कर सकता है क्या? बोलते हैं हाँ एक बार कर सकता हूँ। मतलब फिर क्या प्रॉब्लम है आपको? उतना ही है, मतलब उतनी भूख है, उतनी इच्छा है, तो उतना ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं नहीं, फिर मेरी वाइफ अनसेटिस्फाइड हो जाएगी, डिससेटिस्फाइड रहेगी और उससे फिर और कहीं चले जाएंगी। यानी ये मन के मन में फिर चलोगे इसके दिमाग में सब तारे तोड़ना कि भाई फिर वो और कहीं चले जाएंगी, बाकी औरतें जो है उनका हस्बैंड चार चार बार करता होगा, मेरी औरत को नहीं मिला तो फिर और वो कहीं चले जाएंगी, मुझे छोड़ के जाएंगी, बाहर संबंध प्रस्तापित करेंगी, मुझे भी चार बार करना है। मैं उनको बोलता हूँ कि भाई आप भी बोलो कि मैं भी चार बार नहीं पाँच बार करता हूँ, कोई देखने आ रहा है कि आपको? आप देखने गए क्या कि एक रात में वो चार बार कर रहा है? ऐसा रोज चार बार करता है, रोज रात को चार बार करता है, आप देखने गए कभी? नहीं गए देखने। तो ऐसा इसमें काफ़ी सारे सवाल आते रहते हैं। अभी कितने बार करना चाहिए? तो अभी मैं आपको स्टडी बताता हूँ। 2017 का ये स्टडी है और 2017 का स्टडी ये पब्लिश हो चुका है और अमेरिका में एक सर्वे किया गया 1989 से लेके 1989 से 2014 तक, और उन्होंने अलग अलग समय पे अलग अलग स्टडीज़ किए और वो स्टडीज़ में उनको ऐसा निकल के आया, ऐसा दिखाई दिया कि 20 और 30 साल के उम्र में पुरुष जो है वो साल में 80 बार सेक्स करता है, इसका मतलब वो चार दिन में एक बार करता है एवरेज, और 50 और 60 साल की जो उम्र है ये उम्र में उनको ऐसा पाया गया है कि ये उम्र के पुरुष जो है वो साल में 20 बार सेक्स करते हैं। इसका मतलब साल में 20 बार मतलब 18 दिन में एक बार करते हैं अप्रॉक्सीमेटली। नेपाल में, नेपाल का स्टडी एक है, उसमें ये निकल के आया है कि 2 से 3 बार हफ्ते में पुरुष सेक्स करते हैं। बांग्लादेश में भी 2 से 3 बार ये पाया गया है कि वो 2 से 3 बार हफ्ते में पुरुष सेक्स करते हैं। और हमारे देश में इंडिया में जो स्टडीज सामने आई ये निकल कर, उसमें ऐसा पाया गया है कि एवरेज में 1 से 2 बार एक हफ्ते में करते हैं। अब समझिए 1 से 2 बार एक हफ्ते में आम लोग करते हैं, आम तौर पर ये 4 बार कहाँ से आ गया कि वो 4 बार कर रहा है, वो 6 बार कर रहा है, करते एक या 2 बार पर वीक। इसका मतलब ज़्यादा नहीं करना चाहिए क्या, ज़्यादा करना अच्छा है कि नहीं है, बुरा है क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है, अपनी अपनी भूख है, जितनी जिसको भूख है उतना वो सेक्स करता है। हो सकता है कि शादी के पहले लोग रोज हस्तमैथुन करते, रोज मास्टरबेशन करते हैं और मास्टरबेशन करके अपनी भूख खत्म कर देते हैं, मतलब सेटिस्फाई हो जाते हैं, भूखे सोते नहीं है वो सेक्स के। शादी के बाद में भी जैसा मैंने बताया कि शादी के बाद के करीब करीब 1 साल तक रोज लोग सेक्स करते हैं, ऐसा एक स्टडी में पाया गया। एक स्टडी जो ऐसी है उसमें ऐसा पाया गया है कि एमसी के दिन छोड़ के, एमसी के 4 या 5 दिन छोड़ के, या फिर वो कभी सो रहते हैं, कोई फेस्टिवल्स है, मायके चले जाती है, तो वो दिन यदि छोड़ दिया या बीमारी के दिन छोड़ दिया तो पहला जो साल रहता है और इसकी शादी यदि 20 और 30 साल की उम्र, मतलब ये जो डिस्टेंस है, मतलब 20 और 30 साल की उम्र है, इसमें ये जो दिन है छोड़ दिए, तो करीब करीब इंडिया में स्टडीज में ऐसा पाया गया कि रोज एक बार व्यक्ति सेक्स करता है। अभी लोग ज़्यादा करते हैं तो फिर वो कैसे, तो फिर वो टैबलेट्स लेके करते होंगे, गोलियां लेते हैं, सेक्स करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि शनिवार रविवार जो है वीकेंड वो रखते हैं सेक्स के लिए, क्योंकि दोनों काम कर रहे हैं, सोमवार से शुक्रवार तक बहुत काम काम काम, सुबह से रात तक दौड़ रहे, तो शनिवार रविवार छुट्टी रहती है, 5 डेज ए वीक है, शनिवार रविवार छुट्टी, फिर शनिवार रविवार गोली खाते हैं ताकि शनिवार रविवार 2-4 बार किया तो भी हरकत नहीं, इस तरह से भी लोग करते हैं। फिर सेक्स कितना समय तक चलना चाहिए ये भी है। एक इंडिया में स्टडी जो पाई गई है तो वो स्टडी में ऐसा बाहर निकल गया है कि 15 मिनट और 15 सेकंड ये एवरेज टाइम पाया गया लोगों का एक सेक्स करने का, 15 मिनट और 15 सेकंड। और इसमें उन्होंने पूरा कैलकुलेट किया, मतलब कौन सा, फोर प्ले भी किया, इंटरकोर्स भी किया और आफ्टर प्ले भी, 15 मिनट 15 सेकंड। दूसरी एक स्टडी है उसमें यह पाया गया कि उनका सैंपल साइज छोटा था, उसमें यह पाया गया कि इंटरकोर्स एक्चुअली योनि में लिंग का प्रवेश करना और इंटरकोर्स करना वो 15 मिनट का एवरेज पाया गया। टोटल ओवरऑल स्टडी जो है जागतिक वर्ल्ड वाइड
उसमें यह पाया गया है कि एवरेज इंटरकोर्स मतलब योनि में लिंग का प्रवेश होने के बाद में 5.4 मतलब अप्रोक्सीमेटली 5 मिनट और 30 सेकंड या 25 सेकंड ये एवरेज टाइम लोगों का एक स्टडी में पाया गया है। ओवरऑल क्या है, ओवरऑल यह है कि जो स्टडीज मैं बता रहा हूँ उसमें 33 सेकंड से लेके 44 मिनट इतना पाया गया मतलब रेंज, कुछ लोगों का 33 सेकंड में वीर्यपात हो गया और कुछ लोग 44 मिनट तक चले, इतना है। तो ये इसमें बहुत बड़ी रेंज है, तो इसमें अच्छा या बुरा, सही या गलत ऐसा कुछ भी रहता नहीं है। दोनों को सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, दोनों को समाधान मिलना चाहिए, और दोनों को समाधान यदि मिलता है तो टाइम का उसमें कुछ भी महत्व नहीं है। क्या होता है कि लैंगिक समाधान यदि मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो जो कपल्स में लैंगिक समाधान मिलता है हर सेक्सुअल एक्टिविटी में उनको समाधान मिल रहा है, तो उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा दिखाई दी स्टडीज़ में, मतलब वो 3 बार हफ्ते में उनका सेक्स होता है ऐसा दिखाई दिया कि जो लोगों का अच्छा समाधान होता है वो हफ्ते में 3 बार करते हैं, हफ्ते में 4 बार करते हैं। सेक्सुअल समाधान के अलावा यदि उनके रिश्ते दोनों के अच्छे हैं, बातचीत अच्छी कर रही है, दोनों की बातचीत अच्छी चल रही है और दोनों भी इनिशिएट कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ पुरुष बोल रहा है कि करना है, औरत भी इनिशिएट करती है, वो भी डिमांड करती है, और वो वैसे डिमांड नहीं कि करो करो ऐसा पीछे लग के नहीं, एक वो हल्के से कुछ इशारे करती है, बताती है और तैयार होती है जल्दी से, तो भी फ्रीक्वेंसी लोगों की फिर हफ्ते में 2-3 बार की है। अन्यथा एवरेज इंडियन जो है वो 1 या 2 बार हफ्ते में करता है, मगर दोनों का समाधान है, दोनों भी इनिशिएट कर रहे हैं, दोनों भी शुरुआत करते हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी हफ्ते में 2 बार 3 बार 4 बार ऐसी पाई गई है। अभी वे जो फ्रीक्वेंसी है कब होती है कम, एक तो क्या है कि टेस्टोस्टेरोन की लेवल कम होती है तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, 50 साल के उम्र के बाद में लोगों की वैसे भी इच्छा कम होती रहती है और फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, बच्चे हैं घर में, प्राइवेसी नहीं है, फिर पॉर्न वीडियो स्टडी में पाया गया है कि जो लोग पॉर्न वीडियोस देखते हैं उनमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा पाई गई और पॉर्न वीडियो नहीं देखते हैं उनमें फ्रीक्वेंसी कम पाई गई है। तो पॉर्न वीडियो देखना, फिर फाइनेंशियल स्ट्रेस है, पैसे की चिंता है, लेन देन के व्यवहार बहुत बाकी है और दिमाग के ऊपर बहुत प्रेशर है, स्ट्रेस है, तो नेचुरली सेक्स की इच्छा कम होती है, फिर सेक्स कम हो जाता है। आपसी रिश्ते यदि ठीक नहीं है दोनों के आपसी रिश्ते, तो फिर सेक्स फ्रीक्वेंसी कम होती है। डायबिटीज़ मेलाइटस है तो फिर वैसा भी इच्छा कम रहती है, डायबिटीज़ में शुगर बहुत ज़्यादा है तो सेक्स की इच्छा कम होती रहती है। तो ऐसी काफ़ी सारी बातें हैं कि इसमें सेक्सुअल कॉन्टैक्ट जो है वो कम होते रहते हैं। ओवरऑल क्या है, ओवरऑल ये है कि इसमें सही गलत अच्छा बुरा कुछ भी नहीं है, दोनों को समाधान मिलना, दोनों के मन की शांति होना, दोनों को सुख मिलना और दोनों चरम सीमा पे पहुंचना बहुत जरूरी है। अभी जो क्राइटेरिया जो है वो ऐसे है कि 1 मिनट से पहले यदि गिर जाता है तो उसको प्री मैचुअर इजैकुलेशन बोलते हैं, 1 मिनट से पहले। जो क्लासिफिकेशन जो अलग अलग जगह बताई हुई है और जो अभी जागतिक लेवल पर जो मान्य है वैसे कि 1 मिनट से पहले गिर जाता है तो वो प्री मैचुअर इजैकुलेशन है। 1 मिनट से लेके 3 मिनट तक जब है तो वो मॉडरेट प्रॉब्लम है और एवरेज यदि 5 मिनट तक करता है तो फिर कोई प्रॉब्लम है नहीं, 3 से 5 मिनट है तो माइल्ड प्रॉब्लम है। तो ये फ्रीक्वेंसी है, आपको यदि इसमें सुख पाना है और यदि कोई मुझे पूछता है कि भाई सुखी वैवाहिक जीवन का रहस्य क्या है, तो एक ही शब्द में बोलूँगा कि इंटरेस्टेड एंड इंटरेस्टिंग पार्टनर्स आर द बेस्ट सेक्स टॉनिक। रुचि लेने वाली और रुचिदार दोनों भी पार्टनर्स जो है वो बेस्ट सेक्स टॉनिक है। दोनों का समाधान होना, दोनों ने अच्छे रिश्ते रखना, बातचीत करना, सेक्स की शुरुआत करना, ये बहुत महत्व का है। अपने जो स्ट्रेस टेंशन्स जो है वो बेड पर कभी लेकर जाना नहीं है, ना कि बेड पर कभी भी अपने धंधे पाने की बात करना है। यदि इसका पालन करते तो डेफिनेटली सेक्स एक एंजॉयबल एक्टिविटी हो जाएगी। काफ़ी लोग हमें संपर्क करने की कोशिश करते हैं, आपको ऐसा चाहिए कि भाई आपको इसके ऊपर कुछ कंसल्टेशन चाहिए, तो नीचे लिंक दी हुई है, वो लिंक के ऊपर आप नाम मात्र शुल्क जो है 150 रुपये का पेमेंट कर सकते हैं। केड़कर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स आपको कॉल करेंगे, आपका प्रॉब्लम समझ लेंगे, मेरे से बात करेंगे और फिर आपको यहाँ से हम दवाई मेडिकल से रवाना कर देंगे। यदि आपकी इच्छा है तो आप लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लोगों को शेयर करो, ताकि लोगों की जो गलत फहमियाँ निकल जाएंगी और लोग खुदकुशी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही बार कर सकता हूँ इसलिए, तो वो भी हम एक अच्छी देश सेवा करेंगे, लोगों को अच्छा समाधान दे पाएंगे।
थैंक यू वेरी मच।